दोस्तों आप सबका स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्पोर्ट चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा FIA सीरीज़ फाइनल टीम दूंगा हॉकी की, वो स्कॉटलैंड वर्सेज चिली के बीच मैच होने वाला है, इसकी स्मॉल लीग टीम दूंगा और कुछ टिप्स आप ग्रैंड लीग के दे दूंगा। उससे पहले जिन भाई अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। बेल आइकन बटन को प्रेस करने का आपको ये फायदा होगा, अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जल्द से आप वीडियो बना देखकर टीम बना सकते हैं। यहाँ मैं फुटबॉल की भी टीम प्रोवाइड करता हूँ, NBA और क्रिकेट सबकी टीम प्रोवाइड करता हूँ। और इसकी फाइनल स्कॉटलैंड और चिली की फाइनल अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों स्पोर्ट चैनल का नाम सही है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर लिंक काम ना करें आप स्पोर्ट चैनल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं टीम के बारे में क्या हो सकती है। वीडियो पसंद है जरूर लाइक करें, नहीं पसंद है डिसलाइक भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ कमेंट करना मैं सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेशन जरूर दें कमेंट में। अभी तक इस सीरीज़ में स्कॉटलैंड ने 2 विन किया हुआ और चिलीज अभी एक भी मैच नहीं विन कर पाया दोस्तों। और स्कॉटलैंड तो रैंकिंग में काफ़ी अच्छी भी है, 22 रैंक पर बनी हुई है और वर्ल्ड रैंकिंग में, और यहाँ से चिलीज वही 28 रैंकिंग में है। तो यहाँ से स्कॉटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक होगी, इनके ज़्यादा प्लेयर पिक करना बनता है, काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं इनके सारे प्लेयर। तो यहाँ से गोलकीपर मैंने हेनरिक्स को पिक किया हूँ, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं आर्या को भी, लेकिन दोनों खेलेंगे एज ए सब्स्टिट्यूट, कौन पहले दोनों आएंगे एज ए पहले, या हेनरिक्स कर सकता है 60 या आर्या कर सकता है, अगर दोनों में कोई करता है तो मैं आपको अपने बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। खेलेंगे दोनों ही हाफ हाफ टाइम डिवाइड करके खेलेंगे। और यहाँ से अलेक्जेंडर भी वही है स्कॉटलैंड की ओर से, अलेक्जेंडर और फॉरेस्टर में से कोई भी, दोनों हाफ हाफ टाइम के खेले हैं, हाफ टाइम मतलब एज ए सब्स्टिट्यूट कोई आएगा एज ए सब्स्टिट्यूट। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ हेनरिक्स से, जा रहा हूँ हेनरिक्स के साथ। बात करें डिफेंडर की ओर से, डिफेंडर मैंने माल्डोनाडो को पिक किया हुआ है, यहाँ से पोर्सेल को पिक किया हूँ, बात कर ले और यहाँ से रीडर को पिक किया हूँ। रीडर ने भी इस मैच में 2 गोल मतलब इस सीरीज में 2 गोल निकाल चुके हैं और बुल ने भी एक गोल किए हैं और यहाँ से अब मल्डानो ने भी एक गोल किए हैं दोस्तों। तो जो उन्होंने पिक किया इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, और आप यहाँ से ड्यूक को भी ले सकते हैं, रिस्टर को भी ले सकते हैं, और बाकी और कोई खास प्लेयर नहीं लग रहा दोस्तों। तो ये मैंने पिक कर लिया डिफेंडर में। बात करें मिडफील्डर सेक्शन में, गोनी को पिक किया हूँ, इसने भी एक गोल मार चुका है, और फिर यहाँ से रेंज को पिक किया हूँ और ब्रेमनर को पिक किया हूँ, ये भी एक मैच गोल कर चुका है। अब बात करने से आप पार्स को पिक कर सकते हैं, मिडफील्डर सेक्शन में सारे प्लेयर खेल सकते हैं एज ए सब्स्टिट्यूट, सब आएंगे खेलने। तो आप किन्हीं को पिक करना चाहे कर सकते हैं एज ए स्मॉल लीग में। तो आप बात कर लें, मैंने यहाँ से देख लिया फाइनल गोनी को और फ्रेंच एंड यहाँ से ब्रेमनर। बात कर ले फॉरवर्ड सेक्शन में बेन जो कैप्टन वाइस में काफ़ी अच्छी चॉइस भी होगी, एंड ग्रिप्स गोल्डन को पिक किया हूँ। बाकी आप यहाँ से पिक करना चाहे हार्वर्ड को पिक कर सकते हैं, बाकी और कोई सेफ ऑप्शन नहीं लग रहा है। अब यहाँ से स्टारबुजी को पिक कर सकते हैं, आप बसेरा को पिक करना चाहे कर सकते हैं, और ऑसेस भी है इनको भी पिक करना चाहे कर सकते हैं। बाकी फाइनल अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आप अगर लाइनअप आ जाती है आपको दे दूंगा लाइनअप और फाइनल टीम भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कैप्टन यहाँ से मैं बना रहा हूँ के बेन को, जो गोल कर चुका है इस मनीष सीरीज में, और गोल्डन भी गोल कर चुके हैं, और गोल्डन को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। आप यहाँ से और किन को बना सकते हैं, रीडल को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो ये टीम होगी मेरी स्मॉल लीग की, तो आप देख लीजिए प्रीव्यू। तो ये मेरी टीम है, फाइनल टीम के लिए वेट कीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप विनिंग।